तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, महारथी कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की थी, परंतु आज हम आपको पांडवों के द्वारा दिग्विजय यात्रा के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हो सके तो हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पांडवों की इस दिग्विजय यात्रा की जानकारी हमें महाभारत बुक के सभा पर्व अध्याय 177 में मिलती। एक बार महावीर अर्जुन अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर से कुछ इस प्रकार बोले, यदि आप आज्ञा दे तो मैं दिग्विजय करना चाहता हूँ और पृथ्वी के सभी राजाओं को परास्त कर उनसे कर वसूलना चाहता हूँ। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहा, अवश्य तुम्हारी विजय निश्चित है। युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके समस्त भाई दिग्विजय यात्रा के लिए निकल पड़े। योद्धाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने सर्वप्रथम उत्तर दिशा में आक्रमण किया। अर्जुन ने पहले साधारण पराक्रम से ही अनर्थ, कालकोट और कुलिंद्र देश पे विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद अर्जुन ने सुमंड लको को जीत लिया। तत्पश्चात उन्हें भी साथी बनाकर शाल्व द्वीप और प्रतिविंध्य पर्वत के राजाओं पे विजय प्राप्त की। अर्जुन के साथ साकल द्वीप वालों ने बड़ा ही घमासान युद्ध किया, परंतु अर्जुन के बाणों का सामना ज्यादा समय तक वे भी ना कर सके थे। उन सभी को परास्त करने के पश्चात अर्जुन ने उन्हीं की सहायता से प्रयाग ज्योतिषपुर पर चढ़ाई की। उनके महान एवं पराक्रमी राजा का नाम भागदत्त था। भागदत्त की सहायता के लिए किरात आदि समुद्री देश के कई वीर थे। 8 दिन तक भयंकर युद्ध होने के पश्चात भी अर्जुन भागदत्त को जीत ना पाए थे। अर्जुन का उत्साह देख कर महावीर भागदत्त अर्जुन से कुछ इस प्रकार बोले, हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो। भगवान इंद्र से मेरी है और मैं युद्ध भूमि में उन्हीं के समान हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। फिर राजा भागदत्त अर्जुन से बड़े ही स्नेह पूर्व से बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। अर्जुन ने कहा, राजन, कुरुवंश शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर राज सूर्य यज्ञ करना चाहते हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट बने, अतः आप मुझे कर दीजिए। आप मेरे पिता इंद्र के मित्र हैं, इसलिए आप मेरे हितेशी हैं। इसलिए मैं आपको आज्ञा तो नहीं दे सकता हूँ, परंतु आप मुझे प्रेम भाव से भेंट दीजिए। फिर राजा भागदत्त अर्जुन से बोले, अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान प्रेम पात्र है, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तत्पश्चात अर्जुन ने पर्वतों के भीतर, बाहर, आस पास सभी स्थानों पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने पंच गणों को अपने वश में करने का सोचा। पंच गण कुछ इस प्रकार हैं, कर्मर्ष, मोदापुर, वामदेव, सुदामा और सुसुंकुल। इन सभी महान राजाओं को अर्जुन ने परास्त कर इन्हें भी अपने अधीन किया। तत्पश्चात अर्जुन ने राजा पौरव को परास्त किया और उनका राज्य भी अपने अधीन कर लिया। इसके बाद अर्जुन ने मंड लोकों के अध्यक्ष राजा लोहित को भी परास्त कर उन्हें भी अधीन किया। तदंतर अर्जुन ने इसके बाद त्रिगर्त, दारुक के राजाओं को हराकर उन्हें भी अधीन किया। फिर अर्जुन ने राजा रोचमा नको को हराया। बहीक वीरों को अपने अधीन कर दर्द, कम्बोज और ऋषिक देशों को भी अपने अधीन किया। इतने महान एवं पराक्रमी योद्धाओं को परास्त करने के बाद महावीर अर्जुन हिमालय पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने विजय वैजयंती फहराकर धवल गिरी पर सेना का पड़ाव डाला। इसके बाद महावीर अर्जुन हाटक देश के वीरों को परास्त किया और मानसरोवर पहुंचे और वहां उन्होंने ऋषियों के पवित्र आश्रम के दर्शन हुए। फिर अर्जुन ने हाटक देश के आस पास के बड़े प्रांतों पर भी अपना अधिकार कर लिया। तदनंतर अर्जुन ने उत्तरी हरिवर्ष पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, परंतु वहां तो जाना ही वर्जित था। जब अर्जुन वहां पे गए तो वहां की बड़ी विशाल काय द्वारपालों ने आकर अर्जुन से प्रसन्नता पूर्वक कहा, अवश्य आप कोई असाधारण मनुष्य है, क्योंकि यहां तक पहुंचना ही सबके लिए आसान नहीं है। आप यहां तक आ गए हैं, आपकी यही विजय है। पश्चात वे द्वारपाल अर्जुन से बोले, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप हमें आदेश करें। अर्जुन ने कहा, मैं अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर के लिए दिग्विजय यात्रा कर रहा हूँ, अतः अगर तुम्हारे इस महान देश में मनुष्यों का आना मना है तो मैं इसमें नहीं घुसूंगा, मात्र तुम लोग मुझे केवल कुछ कर दे दो। हरिवर्ष के लोगों ने अर्जुन को कर के स्वरूप में बहुत अधिक धन, दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, अनेकों रत्न प्रदान किए। इस प्रकार धनंजय अर्जुन ने संपूर्ण उत्तर दिशा पे विजय प्राप्त की थी।
उत्तर दिशा में विजय प्राप्त करने के बाद अर्जुन प्रसन्नता पूर्वक वापस इंद्रप्रस्थ लौट गए थे। जब धनंजय अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौटे तो उन्होंने संपूर्ण धन राशि जो दिग्विजय यात्रा से अर्जित की थी वह अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को सौंप दी थी। तो ये था हमारे वीडियो का पार्ट वन, अभी पार्ट टू भी आना बाकी है, कुछ दिनों बाद वो भी आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें और पास में लगे सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक करें और घंटी बजाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि हो सके तो हमारे इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। और यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।